Now next we want to display all array element in the form of reverse orders. इस केस में एरे के एलिमेंट के पोजीशन चेंज ना करें, जस्ट आपको ओनली एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना। अभी तक एलिमेंट को डिस्प्ले कराना स्टार्ट किया था फ्रॉम जीरो इंडेक्स ऑनवर्ड्स, देन नेक्स्ट एलिमेंट। सबसे पहले इस केस में क्या डिस्प्ले हुआ था, 10, देन 20, देन 30, 40 एंड 50। बट सपोज दैट अगर आपको एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना, रिवर्स ऑर्डर के केस में सबसे पहले एलिमेंट किस इंडेक्स का डिस्प्ले कराओ, जस्ट लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज एन माइनस वन पोजिशन। इस केस में एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, एन एलिमेंट। फिजिकली इसका साइज क्या, समथिंग 100, लेकिन लॉजिकली एलिमेंट्स कितने मैनेज हो रहा हूँ, ओनली एन एलिमेंट्स। अरे इसे एरे के अंदर एन एलिमेंट्स फाउंड हो रहा है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ, एन माइनस वन। एन माइनस वन के केस में सबसे पहले आप किस प्लेस का एलिमेंट डिस्प्ले कराओ, एन माइनस वन पोजिशन, देन एन माइनस टू पोजिशन, देन एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव। क्लियर, इसे एन का वैल्यू और फाइव, देन फाइव माइनस फाइव क्या है, जस्ट जीरो, लाइक दैट। तो जस्ट फर्स्ट केस में क्या डिस्प्ले होगा, 50। सेकेंड केस में क्या डिस्प्ले होगा, 40, देन 30, देन 20, देन 10, लाइक दैट। अगर इसे ऑर्डर में जस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कराना, तो सिंपली आप मैनेज क्या करो, सम लूपिंग स्टेटमेंट। लूप के अंदर आई के केस में इनिशियलाइज किससे हुआ, कि सबसे पहले आई में क्या आसान कराना, अभी तक आपने जब लेफ्ट टू राइट एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले कराया, तो उसके साथ श्योर थे एवरी टाइम एरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स फिक्स्ड है, ऑलवेज जीरो, इसलिए डायरेक्टली जीरो इनिशियलाइज करना पॉसिबल था। लेकिन इस केस में एरे के लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ, 4, नॉट अ 4, मीन्स जस्ट एन माइनस वन। सपोज दैट अगर आपके पास कोई एन कोई वेरिएबल है, इस केस में एन के अंदर मैनेज क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द एरे, लेंथ मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज द लॉजिकल साइज। फिजिकल साइज क्या है, 100, लेकिन लॉजिकल साइज क्या है, 5। लॉजिकली एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, 5 एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या आसान करा, अगर एन का वैल्यू 5 है, तो एन माइनस वन, एन माइनस मीन्स 5 माइनस वन इज 4, तो इस प्लेस पर क्या है, जस्ट एन माइनस वन। प्लस अभी तक आप लेफ्ट टू राइट बिल्ड करें, तो आई के केस में फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या मिला था आपको, 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन उसके इसमें कंडीशन क्या अप्लाई किया था, इस केस में जस्ट कंडीशन क्या था, जब तक आई का वैल्यू एन से छोटा है। लेकिन रिवर्स ऑर्डर के केस में कंडीशन चेंज हो जाए, राइट टू लेफ्ट चलो, कब तक, जब तक आई का वैल्यू जीरो से बड़ा, जैसे ही आई का वैल्यू जीरो से छोटा हुआ है, उस केस में स्टॉप कर देंगे, आई ग्रेटर देन जीरो। तो आई के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहा है, 4, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है, 4 के बाद प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स, प्रीवियस का इंडेक्स क्या है, 3, नेक्स्ट टाइम अगेन प्रीवियस का इंडेक्स विच इज 2, अगेन प्रीवियस का इंडेक्स विच इज 1, नेक्स्ट प्रीवियस का इंडेक्स विच इज 0। उसके बाद फिर से आई में अगर डिक्रीमेंट करो, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। जैसे ही आई का वैल्यू माइनस वन होगा, देन कंडीशन फॉल्स हो जाए। लेकिन इस केस में चेक करो, आई का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑलवेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जस्ट अप्लाई क्या करा हुए, आई माइनस माइनस, क्लियर। देन एवरी टाइम डिस्प्ले क्या करा लोगे, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई। इस केस में जब लूप को एग्जीक्यूट करा, तो सारे के सारे एलिमेंट किस ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑर्डर। आपके पास इसके अलावा दूसरा चॉइस क्या है, अदर चॉइस, मीन्स लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स असाइन करा के, अगर आई के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स असाइन करा रहा है, लाइक दैट, सेम एज प्रीवियस केस, आई इक्वल्स टू जीरो, आई ग्रेटर देन, सॉरी आई लेस देन एन, आई माइनस माइनस। इस लूप के थ्रू एलिमेंट डिस्प्ले कराना पॉसिबल है और नॉट पॉसिबल है, इसके इसमें जस्ट आप राइट डाउन क्या करोगे, एन माइनस आई माइनस वन। अगर स्टार से इंडेक्सिंग राइट करो, तभी भी एलिमेंट किस ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे, जस्ट रिवर्स ऑर्डर। चेक करो इस केस में इंडेक्स के प्लेस पर क्या पास किया, एन माइनस आई माइनस वन। तो एन का वैल्यू फिक्स्ड है, एन का वैल्यू क्या है, फाइव एवरी टाइम। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है, जस्ट जीरो, फाइव माइनस जीरो माइनस वन, वैल्यू क्या मिलेगा इस केस में, फोर, मीन्स फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट क्या प्रिंट होगा, जस्ट 50। नेक्स्ट वन मीन्स ये एक्सप्रेशन किसमें, ए के अंदर, इसलिए ए ऑफ फोर में क्या आएगा, 50। नेक्स्ट टाइम एन का वैल्यू फिक्स्ड है, फाइव, आई का वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट वन, माइनस वन माइनस वन, देन फाइव माइनस टू इज 3। नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ थर्ड इंडेक्स विच इज ऑल्सो 40। क्या डिस्प्ले हुआ, इसके पूरी स्टाइल से पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी एलिमेंट्स जस्ट रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। मिस आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल है, सेम कोड अप्लाई कर सकते हो। देन इस केस में जस्ट इसके लॉजिक्स में सेपरेटली यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्रिएट कराऊंगा। इस केस में फंक्शन नेम यूज करेंगे एज अ प्रिंट रिवर्स, प्लस फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न कराने की नीड नहीं, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करोगे, जस्ट वॉइड। फंक्शन नेम क्या है इस केस में, प्रिंट रिवर्स, क्योंकि इस फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑर्डर। तो जब भी आप किसी भी रिक्वायर्ड प्लेस पर
किसी भी एरे के एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना चाहते हो, देन उस केस में उस प्लेस पर जस्ट कॉल क्या करा लेंगे, दैट फंक्शन प्रिंट रिवर्स फंक्शन। लेकिन प्रिंट रिवर्स फंक्शन के अंदर इनपुट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, उसे एरे का एड्रेस इस एरे के एलिमेंट रिवर्स कराना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एरे ए के एलिमेंट रिवर्स कराना, पास क्या करेंगे ए, देन इसके अलावा सप्लाई क्या कराओगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लेंथ ऑफ एरे। इसके इसमें एरे का लेंथ क्या है 5, एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने 5। अगर एरे का लेंथ वेरिएबल एन में स्टोर है, सप्लाई क्या कर सकते हैं जस्ट एन। फाइनली कितने आर्गुमेंट पास होना 2 आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या रहेगा जस्ट इंट स्टार सम पॉइंटर वेरिएबल पी, सेकेंड आर्गुमेंट क्या है जस्ट इंटीजर एन। क्लियर। इसके इसमें एरे के सारे एलिमेंट इटरेट करने के लिए यूज क्या करेंगे इंटीजर वेरिएबल आई। फोर लूप के अंदर आई में क्या इनिशियलाइज कराओगे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ एन माइनस वन। लूप कब तक चलाना है, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा 4, 3, 2, 1 देन 0। जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है तब तक परफॉर्म क्या कराना है ऑपरेशंस। एवरी टाइम आई में परफॉर्म क्या हुआ डिक्रीमेंट बाई 1। प्लस एलिमेंट डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या कराएंगे इसके इसमें प्रिंट एफ परसेंट डी वैल्यू ऑफ, इसके इसमें पॉइंटर का नेम मैंने यूज किया पी, इसलिए ए के प्लेस पर रेफर करेंगे जब पी ऑफ आई। क्लियर। इसके जस्ट मैं आपको एग्जीक्यूशन परफॉर्म करके बता रहा हूँ, जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ए के प्लेस पर क्या पास हो जाएगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 100, एन के प्लेस पर क्या पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज 5। जैसे इस केस में लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, सॉरी फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स क्रिएट हो रहा है पॉइंटर वेरिएबल पी एंड वेरिएबल एन। एन में क्या आसान हो रहा है जस्ट 5, पी में क्या आसान हो रहा है 100। पी इस फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, इसका अदर नेम क्या होगा स्टार 100 स्टार 102 एंड सो ऑन, सेम एज प्रीवियस पॉइंटर प्रॉपर्टी जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्लियर। देन इसका अदर नेम क्या है स्टार पी, प्लस स्टार पी के साथ साथ इस लोकेशन को अदर नेम क्या प्रोवाइड कर सकते हो पी ऑफ 0 पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 एंड सो ऑन। क्लियर। फाइनली फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट हो मीन्स जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो आई के केस में इनिशियलाइजेशन क्या हो रहा है एन माइनस 1, एन का वैल्यू क्या 5, 5 माइनस 1 इज 4। देन प्रिंट एफ पी ऑफ 4, फोर्थ इंडेक्स में क्या 50, वो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा जस्ट 50। नेक्स्ट टाइम जस्ट परफॉर्म क्या कराना है आई के केस में परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस, नाउ आई बिकम्स 3, देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन 2, देन पास क्या हुआ इस केस में पी ऑफ 3, पी ऑफ 3 के केस में वैल्यू क्या 40, तो नेक्स्ट टाइम प्रिंट क्या हुआ जस्ट 40। सिमिलरली आई का वैल्यू क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग जस्ट 2, तो नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या हुआ वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 इंडेक्स में क्या जस्ट 30, प्रिंट क्या हुआ 30। नेक्स्ट टाइम अगेन डिक्रीमेंट 1, देन डिस्प्ले का 1 इंडेक्स का वैल्यू विच इज 20, सेम एज डिक्रीमेंट 0, पी ऑफ 0 में क्या स्टोर है जस्ट 10। इसके जस्ट और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1, नाउ कंडीशन बिकम्स फॉल्स। उसके साथ कंट्रोल कहाँ जाएगा रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस। मीन्स अभी जस्ट मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन के फॉर्म में लॉजिक्स प्रोवाइड किए, देन एक्चुअल आपको पता है एग्जीक्यूशन किस प्लेस से स्टार्ट होता है फ्रॉम अ मेन फंक्शन, तो रियल लॉजिक किसके अंदर होना चाहिए मेन फंक्शन के अंदर। इसके लिए मेन फंक्शन के लिए मैं कोड ऑलरेडी राइट डाउन कर चुका हूँ क्योंकि इस केस में कुछ भी नया नहीं है, मीन्स प्रीवियस कॉमन लॉजिक्स हैं। तो मेन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले आपको परफॉर्म क्या कराना है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन के रिस्पेक्ट में कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, वेरिएबल एरे वेरिएबल ए विद मैक्सिमम साइज समथिंग 100, आप कोई भी साइज यूज कर सकते हो। जैसे एरे के एलिमेंट्स को इटरेट कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो इंडेक्स वेरिएबल आई, एरे का लॉजिकल साइज मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो वेरिएबल एन। तो फाइनल इस केस में टोटल 3 वेरिएबल डिक्लेरेशन पॉइंट किए फर्स्ट केस। सेकेंड स्टेप रीडिंग इनपुट्स, इनपुट्स को रीड कराएं यूजिंग कीवर्ड। तो इनपुट्स के केस में सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा एरे के एलिमेंट और एरे का लॉजिकल साइज, सबसे पहले एरे का लॉजिकल साइज रीड करेंगे क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा एरे के अंदर रिक्वायर्ड एलिमेंट्स कितने हैं तब तक एलिमेंट रीड कराना पॉसिबल नहीं। तो एलिमेंट्स कितने रीड कराओगे एन एलिमेंट, पहले सबसे पहले एन का वैल्यू रीड करें, सपोज एन का वैल्यू 5 है देन आप 5 एलिमेंट्स रीड करो, तो इस केस में एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड कराना आपको जस्ट 5 एलिमेंट्स और एन एलिमेंट्स। तो पहले एन का वैल्यू रीड कराया इस केस में सिंपल ऑपरेशन यूजिंग स्कैन एफ, सेकेंड केस में जस्ट रीड क्या हो रहा है जस्ट बाई यूजिंग दिस लूप एलिमेंट ऑफ एरे, लूप कितनी बार चलेगा एन टाइम्स, तो एरे के लिए एलिमेंट्स भी कितनी बार रीड होंगे जस्ट एन टाइम। एलिमेंट्स को रीड करने के लिए यूज क्या करते हैं इनपुट्स को रीड करने के लिए यूज क्या करते हैं स्कैन एफ, स्कैन एफ इस केस में वैल्यू एवरी टाइम किसके लिए रीड हुआ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मीन्स 1 by 1 ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे। एलिमेंट्स रीड करने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है जस्ट
लॉजिक्स, तो लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में लॉजिक मैंने इस केस में मेन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड नहीं करके सेपरेट फंक्शन में पुट किया इनसाइड प्रिंट रिवर्स। इस प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट क्या थी, डिस्प्ले ऑल एरे एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। तो इस रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लॉजिक मैंने सेपरेट फंक्शन में प्रोवाइड किया प्रिंट रिवर्स। तो इस जस्ट प्लेस पर रिक्वायर्ड प्लेस पर कॉल क्या कर लेंगे मेन फंक्शन के अंदर, प्रिंट रिवर्स फंक्शन सप्लाइड बाई बेस एड्रेस ऑफ एरे एंड साइज ऑफ एरे एन। जैसे फंक्शन कॉल हुआ इस फंक्शन के अंदर जिस एरे का एड्रेस पास करो उस एरे के सारे एलिमेंट जस्ट रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएंगे। जस्ट नेक्स्ट केस में जस्ट परफॉर्म कराएंगे रिवर्सिंग ऑल एरे एलिमेंट्स। मीन्स इस केस में एलिमेंट कोई रिवर्स हुआ है क्या नहीं, इसके जस्ट बाद अगर आप ऑरिजिनल एलिमेंट डिस्प्ले कराने के लिए ट्राई करते हो लाइक दैट फोर, इससे पहले आप लाइन चेंज करने के लिए यूज कर सकते हो प्रिंट एप और पुट्स सम एम्प्टी स्ट्रिंग टू चेंज द लाइन। इसके बाद फिर से मैं ओरिजिनल एलिमेंट्स प्रिंट करा रहा हूँ यूजिंग लूप आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। डिस्प्ले रीड करने के लिए यूज किया था स्कैन एप, सिमिलरली डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया करो प्रिंट एप प्लस एरे के ऑल एलिमेंट्स लूप के अंदर रिप्रेजेंट कैसे होंगे ए ऑफ आई। इससे क्या डिस्प्ले जाएंगे ओरिजिनल एलिमेंट्स। फर्स्ट केस में प्रिंट रिवर्स फंक्शन से डिस्प्ले क्या हो जाएगा आउटपुट में, जस्ट एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑर्डर 50, 40, 30, 20 एंड 10। उसके बाद मैंने पुट्स फंक्शन यूज किया है, लाइन चेंज होने के बाद डिस्प्ले किया जाएगा ओरिजिनल एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40, 50। नेक्स्ट प्रोग्राम में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे रिवर्सिंग एलिमेंट ऑफ द एरे, क्लियर।